वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। और आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि मैंने दिन में घोषणा की थी कि शाम को आपको, रात को आपको 8 बजे, यस 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। तो ये वही क्लास है, क्लास नंबर 4 रहने वाली है, क्लास नंबर 4 रहने वाली है। दोस्तों एक बार मुझे आप क्लियर बता दीजिए, आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही? तो आई थिंक आप सभी को आवाज़ क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मैंने एक क्लास रिकॉर्ड की है, टाइम इसकी आवाज़ की क्वालिटी ठीक थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन, क्लास नंबर 4 रहेगी। और आज सुबह जो क्लास नंबर 3 थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। उस क्लास को सुबह जब अपने प्रीमियर किया था, तब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको हमने सोल्व आउट कर दिया है। और अब वो आप एक क्लास देखना, उसमें आपको कोई बफरिंग नहीं होगा और शानदार जो है कंटेंट उसके अंदर डिलीवर किया है। तो चलिए क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, 100+ लाइक का टारगेट मेरा रहेगा इस वीडियो पर। 100+ लाइक आप करोगे तो अगली वीडियो आपको और धमाकेदार मिलेगी। तो चलिए थैंक यू सो मच, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सेशन। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि विटामिन ए की डेफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? विटामिन ए है, उसकी डेफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। और ये बेसिकली चाइल्ड के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि एडल्ट के अंदर जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उसका मेन जो कोज होता है वो कैटरेक्ट होता है। एडल्ट की अगर बात करें, एडल्ट के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस का कोज होता है वो कैटरेक्ट होता है। कैटरेक्ट जो होता है वो मोस्ट कॉमन कोज होता है किसका? नाइट ब्लाइंडनेस का। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस का। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की डेफिशियंसी से होता है। विटामिन B1 को थायामिन भी कहते हैं। और विटामिन सी की डेफिशियंसी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। और विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कोर्बिक एसिड। नेक्स्ट, प्रिवेंट गम ब्लीडिंग, तो जो है गम ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। स्ट्रॉबेरी टंग जो होता है वो क्वास की डिजीज में देखने को मिलता है। रेड बीफी टंग है वो परनीशियस एनीमिया में देखने को मिलता है। आगे आएगा, देख लेना, ये आपको बता भी देता हूँ। रेड बीफी टंग जो है वो परनीशियस एनीमिया में होता है, और परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशियंसी से होता है। और चिलिंग टेस्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम्स के अंदर। तो चिलिंग टेस्ट होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी बारह का अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। पार्किंसन डिजीज की बात करते हैं, तो पार्किंसन डिजीज होती है उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है पार्किंसन डिजीज का। अर्ली सिम्टम जो होता है वो होता है पिल रोलिंग ट्रेमर, जो है वो अर्ली सिम्टम होता है। क्या होता है? पिल रोलिंग ट्रेमर जो है वो अर्ली सिम्टम देखने को मिलता है अपने को इसके अंदर। तो ये देखने को मिलता है पिल रोलिंग ट्रेमर के अंदर अपने को जो है इसका अर्ली सिम्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर और क्या है। शॉर्ट स्टेपिंग गेट होता है, ड्रूलिंग ऑफ सेलाइवा भी देखने को मिलता है। और इसके अंदर डायग्नोसिस करने के लिए टेम्सिलोन टेस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेटेंट डक्टस आर्टिसस की, इसमें मर्मर साउंड सुनाई देता है पीडीए के अंदर। पेटेंट डक्टस आर्टिसस पीडीए के अंदर। परनीशियस एनीमिया के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। विटामिन B12 की डेफिशियंसी से मोस्टली ये देखने को मिलता है। रेड बीफी टंग होता है और इसमें चिल टेस्ट जो है देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लम्बिंग ऑफ फिंगर नेल्स की अगर बात करें तो टेट्रालोजी ऑफ फेलोट के अंदर देखने को मिलता है क्लम्बिंग ऑफ फिंगर नेल्स। और टेट्रालोजी ऑफ फेलोट कैसा होता है? ये साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है। नेक्स्ट बात करें अपन टेट्रालोजी ऑफ फेलोट के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने को देखने को मिलती है, तो टेट्रालोजी ऑफ जो फेलोट है उसके अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है, रुकावट आ जाती है, तो पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने को मिलता है। ओवर हार्डनिंग ऑफ आवर्टा, आवर्टा क्या करती है, आवर्टा जो होती है वो पूरे बॉडी को, पूरे टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती है आवर्टा जो है, तो इसमें क्या है, ओवर हार्डनिंग ऑफ आवर्टा हो जाती है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन बनता है, बेसिकली मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्या क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर VSD होता है या फिर ASD होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा VSD होता है, ASD नहीं होता इसके अंदर। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। 3 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर,
आपको डिफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इसके अंदर देखने को मिलती है। राइट वेंट्रिकुलर में हाइपरट्रॉफी होती है, तो ये कैसा दिखता है अपने को राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में, ये बूट शेप दिखता है, बूट बूट शेप हार्ट, बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है किसके अंदर, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर, बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर। नेक्स्ट कॉमनली इसमें नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, आई थिंक आप सभी को ये कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो लाइक कर दीजिए। सिर्फ आप एक आपका एक लाइक मुझे इतना मोटिवेशन देगा कि मैं दिन रात आपके लिए मेहनत करूंगा। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइफॉइड के बारे में। तो टाइफॉइड क्या होता है, तो टाइफॉइड जो होता है मैं आपको बता दूं, टाइफॉइड जो होता है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जो किससे होती है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट की मैं बात करूंगा यहाँ पर। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो होता है साल्मोनेला टाइफ्यू, साल मोनेला टाइफ्यू जो है इसका, साल्मोनेला टाइफ्यू जो है इसका क्या है, बैक्टीरियल डिजीज का कोज है, पॉजिटिव एजेंट है, जिससे क्या होता है टाइफॉइड होता है। टाइफॉइड में रोज स्पॉट देखने को मिलता है एब्डोमन के ऊपर और रेड स्पॉट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अस्थमा की, अस्थमा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अस्थमा जो होता है कैसा है, एक प्रकार का इसमें क्या होता है, ब्रोंकियल स्पाज़म देखने को मिलता है, अस्थमा के अंदर ब्रोंकियल स्पाज़म देखने को मिलता है। तो ब्रोंकियल जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, स्पाज़म हो जाते हैं, जिससे क्या है डिस्पनिया की कंडीशन हो जाती है और नेबुलाइज करवाना पड़ता है। और नेबुलाइज जब करवाते हैं तो कैसे उसको करवाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेबुलाइज के टाइम में है सबसे पहले अपन क्या देते हैं, वो गिविंग फर्स्ट साल्मेट्रोल, साल्मेट्रोल पहले और बाद में अपन ऐड करते हैं बेक्लोमेथासोन, बेक्लोमेथासोन बाद में ऐड करते हैं। ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है अस्थमा पे। इसके अलावा एक और अस्थमा का जो है क्लिनिकल फीचर है व्हीजिंग साउंड, अगर व्हीजिंग साउंड आ रहा है तो बिल्कुल 100% अस्थमा है, व्हीजिंग साउंड या विस्लिंग साउंड जिसे कहते हैं। और ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी, ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी जो है वो व्हीजिंग साउंड आता है, दिस इज कॉल्ड मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट एस्ट्रेक्सिस क्या होता है, तो एस्ट्रेक्सिस होता है फ्लैपिंग ट्रेमर, क्या होना फ्लैपिंग ट्रेमर होना, इनएबिलिटी टू मेंटेन सस्टेन पोस्चर विद द इनवॉलेंट्री मूवमेंट। एंड नेक्स्ट इसके बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इकोलेलिया क्या होता है, कुछ अपन साइकेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे अब, इकोलेलिया क्या होता है। बात करें अपन इकोलेलिया की, तो इकोलेलिया पैरोट लाइक रिपीटेशन होता है वर्ड का, वर्ड का रिपीटेशन करना, हकलाकर बोलना, ठीक है। और इकोप्रेक्सिया होता है, इकोप्रेक्सिया क्या होता है, वो मीनिंगलेस रिपीटेशन होता है मोमेंट का, जो मोमेंट होती है उसका रिपीटेशन होता है। डिसकैलकुलिया डिफिकल्टी इन लर्निंग, और नियोलॉगिज्म न्यू वर्ड जो है कॉइन करना, न्यू वर्ड खोजना, वो नियोलॉगिज्म कहलाता है। इसके अलावा बेसिकली बात करेंगे अपन डक्टस वीनोसस, ये ओबीजी का कुछ पार्ट है। कि एनाटॉमिकल क्लोजिंग अपनी इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमिकल क्लोजिंग कब कब होती है, दो तीन तीन चीज़ें अपने पास है। पहली है डक्टस वीनोसस, जिसकी वीनोसस 1 वीक, नेक्स्ट फोरामेन ओवल जो है 1 साल, और डक्टस आर्टरियोसस है वो 6 से 7 वीक इसके अंदर लगते हैं, 1 वीक, 1 साल और 7 वीक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और पास में आ रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो है ये क्लास नंबर 4 है, जो आपको रात को 8 बजे मिल रही है, और अब से रोज़ाना आपको एक सुबह क्लास 10 बजे और एक रात को क्लास 8 बजे आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा आपका जो इमेज बेस की जो क्लास है वो कंटिन्यू रहने वाली है 9 बजे से, तो इमेज वाली क्लास को भी आप ज़रूर देखना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं डेलीगेशन क्या होता है। नेक्स्ट डेलीगेशन की अगर बात करें, डेलीगेशन क्या होता है, तो डेलीगेशन जो होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं अथॉरिटी को, ट्रांसफ़र करना, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी जो है, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी, तो टेक एन डिसीजन, डिसीजन लेना। इसके अलावा शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर करना, होल्डिंग अकाउंट्स, अकाउंट को होल्ड करना, ये सारे क्या है डेलीगेशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अजम्पशन की, अजम्पशन क्या होता है, तो बिलीफ आइडिया कंसिडर टू बी ट्रू, कि जो बिलीफ है आइडिया है वो ट्रू कंसिडर होता है। नेक्स्ट
हाइपोथेसिस पॉसिबिलिटी होती है। हाइपोथेसिस क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है। ये कुछ मैनेजमेंट का टॉपिक था जो मैंने कवर किया यहाँ पर। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है? ये कोज बाई पैथोजन, ये पैथोजन से कोज होता है। डिक्रीज इम्यूनिटी लाइक HIV, इम्यूनिटी है वो डिक्रीज होती है HIV में जैसे। और हिटेरोजेनिक जो इन्फेक्शन होते हैं वो क्या होता है? अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। जो थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर से रिलेटेड अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो कैसा इन्फेक्शन होता है? एट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? क्रॉस इन्फेक्शन होता है हार्मफुल माइक्रोनियम के द्वारा। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। ये विद इन 24 to 48 आवर जब अपन स्टे करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तब अपने को नोजोकोमियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अपने को इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ टेस्ट है जिसके, जैसे टाइफॉइड है तो टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बच्चा भी बता देगा कि विडाल टेस्ट होता है। क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है। किसके लिए होता है विडाल टेस्ट? टाइफॉइड के लिए। मोन्टेक्स टेस्ट की बात करें तो मोन्टेक्स टेस्ट होता है वो टीबी के लिए होता है। किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है मोन्टेक्स टेस्ट। और एलाइजा जो होता है, एलाइजा वो HIV के लिए होता है। और एलाइजा 2 मंथ का जो बच्चा है, 2 मंथ का जो बच्चा है मोस्ट कॉमन HIV टेस्ट यूज करते हैं वो एलाइजा करते हैं 2 मंथ के बच्चे के अंदर। नेक्स्ट क्लास सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? वेस्टर्न ब्लॉट जो है HIV का मोस्ट कन्फर्मेटिव टेस्ट है। क्या है? मोस्ट कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या है HIV का एडल्ट के अंदर? वो है वेस्टर्न ब्लॉट। एडल्ट के अंदर है वो वेस्टर्न ब्लॉट है। और PCR जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR जो है वो किसके अंदर होता है? इन्फेंट के अंदर होता है, जो इन्फेंट के अंदर देखने को मिलता है। मोस्ट कन्फर्मेटिव टेस्ट इन इन्फेंट, इन्फेंट में। एंड सिक टेस्ट क्या होता है? तो सिक टेस्ट होता है वो डिप्थीरिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? डिप्थीरिया के अंदर सिक टेस्ट करवाने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट निडल स्टिक इंजरी अगर हो जाए तो अपने को क्या करना चाहिए? निडल स्टिक इंजरी के अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों? निडल स्टिक इंजरी जो होती है उसमें अपन क्या करेंगे उसके प्रिवेंट होने के लिए, उसमें वॉश द एरिया जेंटली विद सोप एंड रनिंग टैप वाटर। देखिए सोप सॉरी सोप और वाटर के साथ क्या करेंगे अपन? उसको जेंटली वॉश करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। जहाँ पर भी निडल स्टिक इंजरी हुई है तो वॉश करेंगे। नेक्स्ट और क्या बात करते हैं? अप्लाई एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक अप्लाई करेंगे। जेंटल गिवन एंटीबायोटिक सिफिलोस्पोरिन उसको देते हैं, एंटीबायोटिक सिफिलोस्पोरिन उसको देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड विद यूटीआई। तो अगर कोई भी चाइल्ड है जिसको यूटीआई हो रहा है तो उसमें वेस्टिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। क्या? वेस्टिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। और यूरिन फ्लो जो है, यूरिन फ्लो बोथ डायरेक्शन में देखने को मिलता है। ऐसे कंडीशन में जो यूरिन का फ्लो होता है वो बोथ डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लेप्टोस्पायरोसिस। जो लेप्टोस्पायरोसिस होता है वो एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है। जो किससे स्प्रेड होती है? वो यूरिन के थ्रू जो है स्प्रेड होती है बैक्टीरियल डिजीज। और इसके अंदर अपन पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है एंटीबायोटिक देते हैं। पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक देखते हैं। ठीक है ना। ब्रुसेलोसिस की बात करें, ब्रुसेलोसिस को माल्टा फीवर भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कि ये माल्टा फीवर भी कहलाती है। क्या कहलाती है? माल्टा फीवर। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और रिफाम्पसिन जो है इसमें अपने को ड्रग्स देनी होती है। क्या क्या ड्रग्स देनी होती है दोस्तों? इसके अंदर जो है आपको मैं बता देता हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, रिफाम्पसिन जो है वो ड्रग देनी है। और ये क्या कहलाता है? माल्टा फीवर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये माल्टा फीवर भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और आज का जो सेशन आपको अभी तक का कैसा लगा है बताना ज़रूर, आप कमेंट जरूर करें, साथ साथ में मुझे मोटिवेशन ज़रूर दें आप सभी। आप सभी मिलकर जो क्लास को शेयर करा करो और अपने स्टेटस पर भी लगाया करो ताकि और आप बच्चे भी आपकी आपका स्टेटस देख कर जो क्लास ले पाए। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट जो है कीट है, कीट कीटों की स्टडी करना एंटमोलॉजी कहलाता है। कीटों की जो है स्टडी करना क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इसके अलावा बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी से स्टडी ऑफ कल्चर्स एंड ह्यूमन कल्चर जो है, कल्चर और ह्यूमन कल्चर की स्टडी करना जो है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट
पेलियंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी पेलियंटोलॉजी कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की जो स्टडी है वो ऑर्निथोलॉजी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्तों कि आप रिफामसिन के बारे में, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। रिफामसिन, उससे पहले एक चीज़ और रह गई अपनी, वो क्लियर करते हैं। एंड्रोगोगी क्या होता है? एडल्ट लर्निंग, एडल्ट एजुकेशन जो है वो एंड्रोगोगी कहलाता है। रिफामसिन देखिए, आर से रिफामसिन, रे से रिफामसिन, रे से रेड कलर का यूरिन देता है। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, देखिए इसका जो है वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन वो है इसके अंदर कैसा, रेड कलर का यूरिन देखने को मिलता है। तो अगर रिफामसिन देने के बाद ऐसा ऐसा रेड कलर का यूरिन दिखे तो घबराए नहीं, एक नॉर्मल फाइंडिंग है क्योंकि साइड इफेक्ट है नॉर्मली किसका, रिफामसिन का। इसके अलावा डिजीनेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर डिजीनेस देखने को मिलती है, एनोरेक्सिया और हाइपरटेंशन। इसके अलावा बात कर रहा हूँ, रिफामसिन है वो कैसी ड्रग है, जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती है, और एस्पिरिन जो होता है, एस्पिरिन वो पिंक कलर का यूरिन उसमें देखने को मिलता है, उसमें एस्पिरिन के अंदर पिंक कलर का है, पिंक कलर का यूरिन देखने को मिलता है, पिंक कलर यूरिन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो टर्मिनल मेथड होता है, नेक्स्ट बात करते हैं जो टर्मिनल मेथड होता है दोस्तों, जो परमानेंट मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, मेल के अंदर, सॉरी फीमेल के अंदर जो होता है वो ट्यूबेक्टोमी और मेल के अंदर वैसेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी जो होता है फेलोपियन ट्यूब जो होती है, फेलोपियन ट्यूब को कट कर देना, वो ट्यूबेक्टोमी। और वैसेक्टोमी क्या होता है? वास डिफरेंस को कट कर देना, वास डिफरेंस को कट करना वो क्या कहलाता है? वैसेक्टोमी। ये परमानेंट मेथड है दोनों के दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। पल्मोनरी जो एम्बोलिज्म है उसमें क्या होता है कि जो आर्टरी होती है लंग्स की, ब्लॉक हो जाती है, क्लोट हो जाता है उसके अंदर, और इसका जो कोज है वो ट्रेवल फ्रॉम लेग जो है मोस्टली लेग की तरफ जो है, लेग की तरफ जो है ट्रेवल करती है। डीबीटी जो है, डीबीटी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है फ्रेंड, वो क्या होता है? वो होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी पल्मो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी जो एम्बोलिज्म है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है या पल्मोनरी एम्बोलस जो होता है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसका मोस्ट कॉमन जो है क्या है, कॉम्प्लिकेशन है डीबीटी का, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। वेक्टर बोर्न डिजीज की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, ये सीएचएन का कुछ पार्ट आ गया है। वेक्टर बोर्न डिजीज देखिए, मैंने बताया था दोस्तों आपको कि आपको ये क्लास से लेकर हर एक सब्जेक्ट का रिविजन होने वाला है, आपके जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं सबका रिवीजन हम यहाँ से की पॉइंट के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से आपका पूरा का पूरा रिवीजन हम करवा देंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अभी से, जब से मेरी क्लास देखने लगे हो तब से मैं कह रहा हूँ, हर एक क्लास को देखना, उस क्लास के नोट्स आप बनाना, और सभी क्लासों को सॉरी सभी क्लासों को कम्प्लीट जरूर देखें, तभी आपको बेनिफिट होगा। और उसके अंदर ऐसे खो जाएँ जैसे कि आप पढ़ाई में खो जाते हो तरीके से, तब आपको बेनिफिट होगा। देखिए बात करते हैं मलेरिया की, तो मलेरिया एनाफिलीज से होती है, फीमेल एनाफिलीज से होती है, फाइलेरियासिस एनाफिलीज से होता है, चागस जो फीवर होती है वो ट्राई ट्राई एटोमाइन बग्स जो होती है उससे होती है। इसके अलावा बात करता हूँ एडीज जो होता है, वो एडीज है वो चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, येलो फीवर और जिका वायरस में एडीज देखने को मिलता है। और क्यूलेक्स जो है, क्यूलेक्स वो जापानीज इंसेफेलाइटिस और वेस्ट नाइल फीवर में क्यूलेक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट सैंड फ्लाई की बात करें अपन, नेक्स्ट सैंड फ्लाई की अगर बात करते हैं, इसमें लेस्मानियासिस सैंड फ्लाई फीवर देखने को मिलता है, और टिक्स जो होते हैं जैसे क्रीमन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर, बोरेलियोसिस और रिकेट्सियल डिजीज है वो इसमें अपने को देखने को मिलती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है दोस्तों कि क्लास को देखो तो कम्प्लीट जरूर देखना, क्योंकि कम्प्लीट क्लास देखोगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट आपको खुद को ही होगा। अगर आप क्लास कंप्लीट नहीं देखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों क्लास देखने का, जब तक आप अच्छे से ईमानदारी के साथ तैयारी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और कि जो इसमें फ्लीज जो है वो फ्लैग होता है, उसको फ्लीज जो है उससे क्या होता है, फ्लैग होता है, ब्लैक फ्लाई जो होती है उससे क्या होता है, रिवर ब्लाइंडनेस या फिर बोले तो ऑन्को
देखने को मिलता है। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं, तो एसिटाइल कोलिन जो होता है उसमें डिसऑर्डर होता है किसका, एल्जाइमर और हटिंगटन कोरिया, एल्जाइमर और हटिंगटन जो कोरिया है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं डोपामाइन की, तो जिसमें डोपामिन जो है वो पार्किंसन डिजीज कोज करता है, क्या डिसऑर्डर कोज करता है, डोपामिन की डेफिशिएंसी से पार्किंसन डिजीज होती है, सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी से डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर होता है, सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, डिप्रेशन होगा, सीरोटोनिन अधिक हो जाएगा तो मैनिया होगा। गाबा की बात करें, गामा एमिनो बेंजोइक एसिड, इससे एनजाइटी होती है गाबा से, और नोरएपिनेफ्रिन जो है फ्रेंड, सॉरी, तो नोरएपिनेफ्रिन है, नोरएपिनेफ्रिन, उससे मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थोड़ा सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टिक जो फाइब्रोसिस है, कॉमनली देखा जाए तो यहाँ पर इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या है, इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इसमें देखने को मिलता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसमें ये जीआई सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो इफेक्ट करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अपन कि नचल ट्रांसफ्लुएंसी जो होती है, नचल ट्रांसफ्लुएंसी वो किसमें देखने को मिलती है, तो 12 वीक पर जो होती है नचल ट्रांसफ्लुएंसी क्या होती है, नॉर्मल होती है, 12 वीक पर नॉर्मल होती है, 13 वीक, 13th वीक जो होता है में इंक्रीज थिकनेस, नचल ट्रांसफ्लुएंसी की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसमें ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ट्राइसोमी में, डाउन सिंड्रोम को ही कहते हैं ट्राइसोमी भी, डाउन सिंड्रोम, और 21st क्रोमोसोम इसके अंदर जो है उस 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इसमें फ्रैक्चर्स दिखाए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। नाइट स्टिक जो फ्रैक्चर होता है वो डिस्कल एंड ऑफ अल्ना होता है, पुलिस फ्रैक्चर होता है, पुलिस वो क्या होता है, डिस्कल एंड ऑफ रेडियस या फिर प्रोक्सीमल एंड ऑफ रेडियस जो है वो क्या कहलाता है, पुलिस फ्रैक्चर होता है, और पुलिस फ्रैक्चर होता है शाफ्ट ऑफ द ह्यूमन एंड शाफ्ट ऑफ द फीमर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स ओब्लिक या स्पाइरल सेगमेंटल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, तो दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, बाकी क्लास अपन जो है क्लास नंबर 5 में करेंगे। नेक्स्ट अपन जो है अपन क्लास नंबर 5 करेंगे तब उसके अंदर अपन करने वाले हैं। और आप सभी से मेरा निवेदन है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और सपोर्ट करें राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी को, क्योंकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने में जो है विश्वास रखता है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप जितने भी मेरे साथी हैं जो पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। क्या दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप पर जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर ही आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आपको हर एक भर्ती से रिलेटेड अपडेट, आपको इस भर्ती से रिलेटेड अपडेट, आपको क्लासेस, आपको टेस्ट सीरीज, सब कुछ उस ग्रुप के अंदर मिलने वाला है। तो ज्वाइन करें इस ग्रुप को, इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो, पूछना हो, क्यों कुछ भी क्योरी हो आपकी, तो आपको मैं बता देता हूँ, ये हमारा मोबाइल नंबर है इस पर आप हमें कॉल कर पूछ सकते हैं कुछ भी, 9664248514, इस नंबर पर आप कॉल कर अपना जो है कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कॉल कर सकते हैं आप, और अपनी क्योरी जो है, जो भी क्योरी हो आपकी, जो भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप सभी से मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप जो है लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बस आप सभी से निवेदन है, इतना आप कर दें, सपोर्ट करें, आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास हम देंगे। रोज़ाना सुबह 10 बजे, रोज़ाना सुबह 10 बजे आपको क्लास मिलती है, रोज़ाना सुबह 10 बजे क्लास मिलती है। दूसरी क्लास जो है वो रात को
रात को जो है 8 बजे आपको मिलती है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को कंप्लीट देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।